नमस्कार दोस्तों, हम अपने जीवन को कुछ खास बनाने के लिए कोई ना कोई उपाय करते रहते हैं और उन जीवन में हम अपने ऐसे उपाय करते हैं जिससे हमारा जीवन सुधर सके और जीवन के साथ साथ हम अपने जीवन में जो भी कमियां हैं उन कमियों को खामियों को दूर कर सकें। लेकिन कुछ ऐसे उपाय भी होते हैं जो वास्तुशास्त्र के हिसाब से करते हैं लेकिन कुछ फेंगशुई के अनुसार करते हैं, क्योंकि हमारे पुराणों में ये दो खास माने जाते हैं। यदि आप इन उपायों को अपनाते हैं तो आपके जीवन को खास बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आज जानते हैं कि कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे कि आपका जीवन हमेशा खास बना रहे। नंबर एक, हम अपने घर में पूजा करते हैं। पूजा करने के भी नियम होते हैं। यदि आप अपने पूजा घर को सही स्थान दे और वास्तुशास्त्र के हिसाब से उसे बनवाते हैं तो आपके घर में समृद्धि आती है, और यदि आप पूजा को सही तरीके से करते हैं तो उससे भी समृद्धि आती है। यदि आप पूजा घर में पूर्व की दिशा की तरफ मुँह कर बैठते हैं और पूजा करते हैं या फिर ध्यान करते हैं, वह सबसे अच्छा माना जाता है और आपके जीवन पे सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं जिससे आपका मन और दिमाग दोनों ही शांत रहते हैं और आपको नए नए अवसर और नए नए चीजें करने की उत्तेजना मिलती है जिससे आपका दिमाग एक मल्टी टैलेंटेड बन जाता है और आप हर काम को अच्छे से करने में प्रॉपर तरीके से करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र के हिसाब से अपने कार्य को सही तरीके से करते हैं और इन उपायों को आजमाते हैं तो आप अपने घर में खुशियां लाएंगे और बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। नंबर दो, आप अपने घर में मछलियां जरूर रखें। हम कई बार देखते हैं कि लोग घर में मछलियां रखते हैं जिसे आप अपने घर के बिल्कुल ठीक सामने ना रखें, क्योंकि घर में प्रवेश करने वाला व्यक्ति हमेशा उसकी नज़र उस पर पड़ती है। आप हमेशा पहले वे घर में प्रवेश कर लें, उसके बाद उसे वो मछली का टब नजर आए जिसमें आपने मछलियां पाल रखी हैं और आप मछलियों को डेली ही चुगाएं। आप अपने घर में जिंदा मछलियां जैसे कि मछली बार टब रख लेते हैं, उसमें आप चुगाने के लिए कोई ना कोई चीज डालते रहें ताकि मछलियां भी भूखी ना रहें और आपके जीवन में उनकी तरह जीवन की शीतलता आए। जैसे मछली पानी में रह के अपने जीवन को पूरा करती है, वैसे ही आपके जीवन को पानी की तरह शीतल और उसकी तरह सॉफ्ट बना देती है। तो यदि आप अपने घर में मछलियों का बार टब रखते हैं तो आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि आने के चांस अधिक होते हैं। नंबर तीन, आप अपने शयन कमरे में कभी भी शीशा न लगवाएं। यदि आपके बेड के सामने शीशा है तो आप उसे हमेशा ढककर रखें, क्योंकि वह आपके घर की प्रतिबिंब को दिखाता है और जितनी भी खुशियां होती हैं उनको वह नकारात्मक में परिवर्तन कर देता है। शयन कक्ष वह कक्ष होता है जिसमें आप आराम करते हैं और कुछ पल ऐसे होते हैं जो रेस्ट के लिए आप हमेशा अकेले बिताना चाहते हैं, लेकिन जो आईना अगर आपके बिस्तर के सामने है तो वह आपके जीवन पर गलत असर डालता है जिसकी वजह से आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। तो आप कोशिश करें कि शयन कमरे में कभी भी शीशा ना लगवाएं। नंबर चार, यदि आप अपने कमरे में मालिक का कमरा देख रहे हैं यानी कि मुख्य घर यानी कि सदस्यों में सबसे मुख्य सदस्य जो भी हैं आपके घर में जो बड़े हैं आपसे, तो उनका कमरा हमेशा दक्षिण दिशा में होना चाहिए, क्योंकि उनका यदि कमरा दक्षिण दिशा में होगा तो वे मेन मुखिया होंगे और दक्षिण दिशा में कुबेर माने जाते हैं, क्योंकि मुखिया आपके घर को चलाता है, आपके घर की व्यवस्था करता है और किस तरह से उसे संजो के पूरे परिवार को रखना है उसको तैयार करता है। इस दक्षिण दिशा में आप अपने मुख्य सदस्य का ही कमरा तैयार करवाएं जिससे कि आपके घर में सकारात्मक प्रभाव आएंगे। नंबर पाँच, हंसता हुआ बच्चा किसको अच्छा नहीं लगता घर में। हर किसी को घर में कोई ना कोई छोटा बच्चा जरूर होता है और घर में छोटा बच्चा घर में चहक महक और इतना तूफान मचाता है जिसकी वजह से घर में हंसी मजाक जैसा माहौल रहता है और आपके जीवन में भी खुशियां लेकर आता है, क्योंकि एक छोटा बच्चा आपके जीवन में इतनी खुशियां भर देता है, इतनी ऊर्जावान कर देता है जिसकी वजह से आपके जीवन में हमेशा कोई भी दुख हो उसे हमेशा हंसते हंसते झेल लेते हैं। यदि आप अपने घर में हंसते हुए बच्चे की फोटो लगाते हैं या फिर आपके घर में बच्चा है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। आप अपने घर में नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने के लिए छोटे बच्चों की हंसती हुई फोटो लगानी चाहिए। तो ये है वह चीजें, यदि आप अपनाते हैं और इन उपायों को करते हैं तो आपके घर में खुशियां रहेंगी, समृद्धि रहेगी और आपका जीवन खुशनुमा बना रहेगा। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।